मैं निकल गया था। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग्स, कैसे हो? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हैप्पी रहो एंड ऑल हैप्पी रहो। सो कैसे भी सुबह के बज रहे 8:16 सुबह, अभी उठी हूँ, उठ के मस्त फ्रेश हुई हूँ, ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो चुकी हूँ। तो गाइस मैम मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मतलब सर्दी सा लग रहा है, एकदम से गला पूरा गले में खराश हो रखा है और कुछ भी, मतलब यहाँ पर गला दुख रहा है उसमें, तो नमक पानी से भी थोड़ा सा गरारे किए हैं और देखते हैं ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। कहीं कभी सीजन चेंज हो रहा है, इस वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो रही बात गई सभी सुबह के 8:16 हो रहा है और अर्शमित का स्कूल भी और एग्ज़ाम भी है, तो उसका टिफिन वगैरह रेडी करना है। तो कहीं उसके स्कूल में तो जल्दी जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो इसीलिए उसको टिफिन करने का मौका ही नहीं मिलता, बट फिर भी मैं साइड से पहले दे देती हूँ केक बिस्किट वगैरह कुछ भी नॉर्मल सा, बिकॉज वो सुबह से कुछ खा के जाता नहीं क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है ना, मतलब खा के जाता है तो पता नहीं सुबह से वो इतना ज़्यादा खाता हुआ था नहीं, तो मैं फिर भी ऐसे दे दे रही हूँ, खाना होगा तो खा लेगा, नहीं खाएगा तो फिर घर पे आके खा लेगा जो भी हो। तो वैसे मैं भी जा रही थी नीचे वाले शॉप से, उसके लिए एक केक और एक बिस्किट ले लें तो डाल दूँगी। अभी देखो मिलती हूँ आंटी। हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहाना हो गया कि नहीं? जा रहे हैं गाइस, आंटी कभी नहाना नहीं हुआ, आज आप लेट हो, नहाए नहीं, जल्दी जाके नहाते हो। लेट कर रहे क्यों ऐसे ही? अच्छा आंटी, रोज नहाना नहीं चाहिए? रोज नहाना नहीं चाहिए? क्या बोला तूने? हाँ जी गाइस, अपनी पापा अर्जुन को स्कूल भेज के फिर मिलते हैं, बिकॉज मेरे हाथ में टाइम बहुत कम है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, नॉर्मल है, सिंपल है। तो गाइस फिर स्कूल जा चुका है और मैं भी घर पे उधर बेड वगैरह सब कुछ समेट चुकी हूँ। देखो बढ़ गई हमारी चाय, टेस्टी टेस्टी। और गाइस मेरी दादी शुगर की पेशेंट है, तो इस वजह से एक अंकल आए हैं जो दादी का ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, खाती हूँ। तो अभी वो चले जाए फिर हम पियेंगे चाय। और लीजू देखो चिल्ला रही है, गाइस हमारे घर कोई आता है ना तो लीजू को इस तरह से बंद करना पड़ता है। हम दादी का चल रहा है ब्लड टेस्ट। इंजेक्शन देख के डर लगता है मेरे को, भागो गाइस, इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं किसी को लगाते हुए नहीं देख सकती मेरे को, जब कभी गाइस पता है जब मैंने टैटू करवाया था ना, तो भैया ने मेरे को ज़बरदस्ती टेटनस का इंजेक्शन लगवाया था। मैं को दिखाती हूँ अपना टैटू, जब मैंने अपना नाम लिखवाया था बिल्कुल अपना टैटू करवाया था, तो बाप रे बाप, आँखें बंद करके इधर उधर की बातें करके भैया ने ज़बरदस्ती लगवाया था टैटू वो इंजेक्शन मेरे टेटनस का, ओह पूछो ही मत। तो गाइस अभी तो गाइस दादी का ब्लड टेस्ट हो गया, मम्मी दिखाया, मम्मी दिखाया थोड़ा ब्लड टेस्ट वाला, ये देखो गाइस दादी का ब्लड टेस्ट हो गया। मम्मी डर नहीं लगता? ये गाइस मेरी दीदी का, अभी हम लगे पीने चाय, दीदी मेरी पी चुकी है और मैंने भी पिया नहीं है, पीऊँगी। ये रही बाबा जी का चल रहा है पाठ, और लीजू ने गाइस बहुत तंग किया, बहुत ही ज़्यादा। अंकल भी बोल रहे थे जो ब्लड टेस्ट वाले थे, बोल रहे थे बाप रे बाप ये ना आफत की पुड़िया है। गाइस वो एक्चुअली हमारे यहाँ पे आते हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए हमेशा। ये रही हमारी दीदी जी आ रही है, देखो दीदी गुड मॉर्निंग, अभी हम पी रहे चाय। तो गाइस साथ ही चाय पीते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, टाइम हो रहा है 10:03, तो आपको मिलते हैं। और घर का देखो सबका सब कुछ काम वगैरह जो भी था सब हो चुका है। और गाइस आज दोपहर में खाने में बन रहा है राजमा रोटी, नॉट चावल। आज तो मैं चावल मैं भी नहीं खाऊंगी, भाई मेरा गला बहुत खराब है। गाइस अभी देखो ऊपर वाली आंटी आई हमारे घर बैठने। आंटी जी सत श्री अकाल। ये गाइस देखो मेरी दीदी बना रही है सब्जी राजमा की, और ये महारानी नीचे भाग गई थी बांध रही है। देखो अभी डर रही है मेरे से कि मेरे मुंह में ये लगा देगी, इसीलिए आंटी के सपोर्ट में बैठी हुई है। अंतरे लामा, अंतरे लामा, कदे नहीं, बहुत बदमाश, बहुत बदमाश, गैस लीजो बहुत बदमाश करने लग गई है। आंटी ममता दीदी कब आओगी? ममता ने आना 1:30 बजे बेटा, 1:30 बजे आएगी ममता दीदी।
चलो इधर गाइस देख लो बाबा जी का पार्ट चल रहा है, नीट एंड क्लीन सब कुछ। गाइस झाड़ू वगैरह सब निकाल दिया घर से, दादी चली जा चुकी है अर्शवीर को लेने के लिए। टाइम देख लो कितना हो रहा है। और आंटी जी आई है, आंटी जी गाइस बोल रही है कि तुम लोग कुछ दिनों में चले जाओगे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। एक साल निकल गया पता ही नहीं चला। आंटी फिर आसी आया करांगे नॉर्दर्न पार्क नु लेके गड्डी च। फिर हुन तो लेट नहीं करते, फिर तो कर दी। तंग बहुत कर दी आंटी, बहुत ज्यादा तंग कर दिया। बड़ी होगी ना, सारे डॉग दा सुनया सी कि जदों बड़ा हो जांदा डॉग फिर साऊ हो जांदा, शांत हो जांदा, पर ये कदे शांत नहीं हो रही। जिवें जिवें बड़ी हो रही ओवें ओवें बदमाशियां दीआं बढ़ रहीआं ने। राजा पुत आहे ना, एक नंबर बदमाश पोता, एक बदमाश पोता, बदमाश पोता। गाइस अर्शवीर आ गया स्कूल से। हेलो अर्शवीर, गुड आफ्टरनून। गाइस अभी स्कूल से आ गया, टाइम हो चुका पूरा 12:05, और ये दादी। और गाइस रहा बात खाने पीने का, खाने मैंने आपको बता दिया है क्या है। और देखो इसको, देखो कैसे घूम रही आगे पीछे। और ये देखो गाइस खाने में है दही, प्लीज को खाना पहले से रेडी है, आटा लगा लिया हमने, अभी बनाई है गाइस रोटी और राजमा रेडी है। ओके तो आपको मिलते हैं गाइस खाना पीना खाने के बाद। A few moments later, दोपहर का खाना खाने दादी के, दोपहर में जो खून टेस्ट का आएगा बंदा वो आया है। देख मम्मी छितर फिर ना ले, आजा आजा खाना खा ला जा। पजिया दिसो पजिया पुत, कुछ नहीं करेगी। देख लो गाइस क्या हरकत हो रही है इसकी। और मैं और दीदी लगे अभी खाना खाने। देखो खाने में राजमा की सब्जी, दही, चावल, रोटी और कुछ भी नहीं। टाइम गाइस देख लो कितना हो रहा है। तो आपको मिलता है गाइस तो खाना पीना खाने के बाद। देख लो इधर है, देखो तो खाना वाना गाइस काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो गया था। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी, मतलब बुखार जैसा लग रहा था, तो मैंने मेडिसिन लेकर थोड़ा सा रेस्ट किया। अभी रेस्ट करके उठी हूँ, और अभी गाइस सीज़न चेंज हो रहा है ना, इस वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही, गला वगैरह सब ख़राब है, और नाक वगैरह सब कैसा अजीब से जल रहे हैं, आँखें वाँखें इससे दर्द हो रहा है, सर्दी लग रही सीज़न चेंज होने की वजह से। तो अभी गाइस टाइम हो रहा है 4:06, अर्शवीर का ट्यूशन का टाइम हो गया, अर्शवीर जा रहा है ट्यूशन। चाय पीने का मन हो रहा था तो मस्त अदरक वाली चाय बनाई है मैंने, भी चाय पी रही हूँ, दिखाती हूँ। क्यों चीख रही है लीजो, क्यों चिल्ला रही है, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है ना गंदी कुड़ी। ये देखो दीदी भी उठ गई है गाइस, ये देखो हमारी चाय, ये देखो चाय पी रहे हैं। और ये टाइम देख लो इतना हो गया यहाँ पे। तो गाइस अभी चाय पानी पीते हैं। पर्स भी आ गया था ट्यूशन से, और अभी गाइस टाइम हो रहा है 7:50। तो थोड़ा सा भूख लगा हुआ था, मतलब सर्दी की वजह से ना गाइस मुंह में कुछ चटपटा सा खाने का मन हो रहा था, तो गाइस हमने बना ली मैगी। ये देखो दीदी इसको पढ़ा रही है, कल इसका एग्ज़ाम है। तो गाइस हमने बना लिया आलू प्याज वाली मैगी, मस्त सी आपको दिखाती हूँ। सी गाइस देखो ये बनाई है हमने मैगी, बनाई तो मेरी दीदी ने। और गाइस अचानक से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ये ब्रेड वगैरह निकाल के रखा हुआ। टाइम तो काफ़ी हो गया गाइस, रात को 8:10 बाकी है। तो मैगी वगैरह है, ब्रेड वगैरह है, यही है हमारा रात का खाना। और अगर ज़्यादा साइड से आपके लिए भूख लगे तो राजमा की सब्ज़ी पड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये है गाइस राजमा की सब्ज़ी, भूख लगी तो रोटी बनाएंगे इसके साथ। ये देखो ओके, तो गाइस अभी मस्त खाते हैं मैगी, फिर आपको मिलते हैं। अर्शवीर कर रहा है पढ़ाई, बस मैगी वगैरह खा लिया, तो वही तो हमारा रात का खाना। तो टाइम हो रहा है गाइस अभी पूरा 10:30। ये देखो अर्शवीर भी लगा है सोने, इसकी भी पढ़ाई वगैरह सब हो गई है। और ये देखो जिस भी खाना खा रही है, और अर्शवीर कर रहा था ब्रश। ये देखो तो गाइस अभी ये भी जा रहा था ना, बिकॉज इसका सुबह एग्ज़ाम है,
तो गाइस मैं वीडियो को कर रही यहीं पे एंड। दीदी भी उधर बेड वगैरह सब क्लीन कर रही है और मैंने भी इधर किचन वगैरह सब कर दिया है। तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सब बुखार है एक्चुअली ना, मेरे को बुखार हो रहा है और बुखार एक्चुअली इसमें मेडिसिन लेने के बाद ही बुखार एक्चुअली उतर नहीं रहा है और कुछ नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अंदर इतना वीकनेस लग रहा है ना, ऐसा मन हो रहा है कि मतलब ऐसा कि चक्कर आ कहीं गिरने वाला हालत हो जा रही है ऐसे। मतलब इतना वीक वीक लग रहा है अंदर सर्दी की वजह से, सीजन चेंज हो रहा है ना इसीलिए मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। तो वैसे ब्लॉग को यहीं पर कर रही हूँ एंड। वैसे आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए, तो आप वैसे मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग्स वीडियो नोटिफिकेशन आ तक पहले पहुँचे। सो गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट दिखाओ, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है तो इसीलिए ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।